नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में 6 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, उसमें यस बैंक के संदर्भ में और निर्यात के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल देंगे। जो अन्य निर्णय हुए हैं, उसमें पहले तो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, 4% डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 48 लाख एम्प्लॉयज एंड 65 लाख पेंशनर्स। 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होता है। और मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग दिया, तब भी लोगों के तनख्वाह अच्छी मात्रा में बढ़े थे, और लगातार अब ये 17% जो था डियरनेस अलाउंस वो 21% हो गया है। तो ये कर्मचारियों को फायदा देने वाला, लाभ न्याय देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला समय पर किया है। 4% 17 to 21 माय रिक्वेस्ट, बीच में थोड़ा सा, हाँ नहीं, 2016 में 7वां वेतन आयोग आया, ये मैंने, ठीक है। तो ये इसका खर्चा इस साल 14,595 करोड़ आएगा, 14,595 करोड़। लेकिन मैंने जैसे कहा, 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होगा, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है।